तो मानिक वेलकम टू मानिक स्मार्ट क्लासेस। तो पुणी देखिबा आमे एक नुवा अपॉर्चुनिटी नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट तरफ रो छ हम बाखरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो एक नियुक्ति नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो ना कोन एक बड़ नियुक्ति देखिबा ना केतटी पोस्ट अछि ना टोटल वैकेंसी अछि केतटी ना 11 टी हला 11 टी वैकेंसी अछि कोटी ना यार क्लोजिंग डेट भी मन रखिबा गोटे बड़ जिनिस ना ए देखो जदि हमर एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तरफ रो छ यार क्लोजिंग डेट केबे ना 22/6/2024 तो आगामी 22/6 रे सुधा आमे कोन करबा दरकार ना आको सारी बात दरकार रिप्लाई। तो जीवा आगे को जीवा देखिबा कोन दै छै ना आगे को गले देखो तो एथिर दै छै केतरी पोस्ट अछि जो एई जो पोस्ट वाला स्टेनोग्राफर्स आ जूनियर क्लर्क आ टाइपिस्ट ए तीनोटी फॉर्मेट रे हमर पोस्ट बाहर छै जदि आमे देखिबा सैलरी स्ट्रक्चर्स तो कोन ना एथिर 25,000 जो हम स्टेनोग्राफर रहौ छै 25,000 रु 81,000 पर्यंत सैलरी रहौ छै जदि जूनियर क्लर्क रहौ छै 19,000 रु 63,000 एवं सेम रहिबो जूनियर टाइपिस्ट रे भी दरमा सेम रहिबो। जदि एथिर देखिबा कैटेगरी अनुसार केतेटा पोस्ट कोउथिरे बाहर छै त स्टेनोग्राफर रे गोटे अनरिजर्व पोस्ट अछि स्टेनोग्राफर रे आ बाकी गोट दुईटी एसटी रे टोटल तीनोटी ठीक से जूनियर क्लर्क रे तीनोटी अनरिजर्व दुईटी एसटी आ दुईटी एससीबीसी टोटल सातटी सात तीन दस आ एथि होजु केतटी ना जूनियर टाइपिस्ट होजु गोटिए मात्र ओमेन कोटी ना एसटी रे हला वन तो टोटल हला केतटी 10टी 11टी पोस्ट तो टोटल जो 11टी पोस्ट बाहर छि नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे हम सेथि पे ए सुजोग हाथ छोडा करबा ना जे ए सुजोग बाहर छि तो एथिरे कोन तो क्राइटेरिया छि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छि ना जो द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड मिनिमम कोन ना प्लस 3 एग्जामिनेशन पास कर थे दरकार एनी यूनिवर्सिटी भारत रो नागरिक होइतो भारत रो कोनोसी भी यूनिवर्सिटी रु से कोन करथो ना प्लस 3 क्वालिफाई करथिबो आ कोन करथिबो ना एटा तार 32 माने 22/6/2024 सुधा तार वयस केते हेतिबो ना 18 रु 32 वर्ष भीतर हेतिबो मिनिमम 18 आ मैक्सिमम 32। तो या पर देखियो गले कोन अछि ना से ए जो ओडिया ओडिया सब्जेक्ट रे कोनोसी भी जगह रे कोन करथो दरकार पढ़ीथिबो दरकार नहले एग्जाम देथिबो दरकार तो मीडियम स्कूल ले हला। तो नेक्स्ट आसो सेल बी गुड कैरेक्टर ए सब जिनस रहिथिबो एथि किछ आवश्यकता नै टोटल केते मार्क रो से परीक्षाटा हौ छै देखिबा हमें तो टोटल 400 मार्क्स रो 400 मार्क्स रो परीक्षा अछि। तो जदि 400 त 8 रे देखियो गोटे जूनियर टाइपिस्ट कैंडिडेट्स मोस्ट हैव बीन नॉलेज ऑफ राइटिंग सेल्फ व्हिच दिस मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स तो मिनिमम 40टा वर्ड्स नॉर्मल जे पकेबो अलगा जो पोस्ट रे क्लर्क हो किमा जूनियर असिस्टेंट रो हो से केतना मिनिमम 40 आ जे कोन करना टाइपिस्ट रे पकेबो से तर मिनिमम केते मिनिमम स्पीड्स केते ना स्टेनोग्राफर रे जे पकेबो तर मिनिमम स्पीड केते रहइबो ना 80 रहइबो पर मिनिट जदि करूछो जे तमर अछि ताहल तमे एथिरे एलिजिबल हे परिबो तो एटा तमर जरूरी अछि। तो नेक्स्ट जीव आर कोन रहउछि सिलेबस तो जदि सिलेबस को जाउछे तो सिलेबस देखिबा कोन ना इंग्लिश अरिथमेटिक एंड जनरल नॉलेज ए तीनोटी जिनिस पेपर 1 रे रहउछि। तो पेपर 1 जदि रहउछि इंग्लिश अरिथमेटिक आ जनरल नॉलेज इंग्लिश रो 100 मार्क अरिथमेटिक रो 100 मार्क आ जनरल नॉलेज रो 100 मार्क टोटल इंग्लिश रो 2 घंटा समय भीतर परीक्षा देबा पड़ो अरिथमेटिक गोटे घंटा आ जनरल नॉलेज गोटे घंटा 4 घंटा रो परीक्षा। तो एई एग्जाम ला तुम्हें क्लिक माने क्रैक करिया परे तुमको पेपर 2 रे एग्जाम दा पड़ो जोड़ा हम स्किल टेस्ट बोली कहो जे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम स्किल टेस्ट तबो तो से स्किल टेस्ट दे सर परे तो ए एग्जाम स्किल टेस्ट से को क्वालीफाई करू छ तो ता पर तुमरो 5 आ छि 45 मार्क एमिति करे कि टोटल एटा हो छि कहार न तुमरो एग्जाम रो जो सिलेबस रही छि तुम कोन कोन ना इंग्लिश अरिथमेटिक जनरल जनरल नॉलेज कहले कोन बुझो ना इतिहास भूगोल तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एटा हो छि तुम जनरल नॉलेज आ करंट अफेयर। तो या पर क्वेश्चन आसीबो तो एटा हो छि तुमरो वर्तमान रो सिलेबस एई अनुसार हम पाठ पढ़ा पड़े जी कहूँ ना कौन जूनियर टाइपिस्ट जी कहूँ तरह ग्रेड थ्री रे सिलेबस अलग अच्छी तो देखिए से कौन अच्छी ना ग्रेड थ्री सिलेबस जो अच्छी कौन लिखा अच्छे देख ना इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर्स 100 मार्क्स रोज 2 घंटा इंग्लिश रो क्वालिफाइंग नेचर्स रोज तो शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट रोज के 15 मिनट्स टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर टाइप 50 जोड़ा 10 मिनट्स कर पर मिनिट रे केते रहउ छै ना 50 तक हो छै कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रैक्टिस 100 मार्क्स आ फाइव अब 35 मार्क एई जिनिस जे हम पकरा अछि बा एई क्राइटेरिया अनुसार हम कोन कर परबा ना एई सिलेबस अनुसार हम परीक्षा फेस कर परबा। दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्स ओके थैंक यू।